फ्रेंड मैं प्रदीप, स्वागत है मेरे फाइटर गेम में। फ्रेंड इस वीडियो में हम देखने वाले ऊंचाई दूरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड इसमें हम क्या करेंगे, टिग्नामेंट्री के साथ साथ ज्योमेट्री यूज करेंगे। फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ ज्योमेट्री यूज करने से ऊंचाई दूरी के क्वेश्चंस कुछ ही सेकंड में आपको क्या होता है, आंसर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं कैसे आंसर आ जाता है। फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि नदी के किनारे पर खड़े स्तंभ का दूसरे किनारे पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कह रहा है फ्रेंड्स एक नदी है, ये हम फ्रेंड्स क्या मान लेते हैं, ये नदी है इतना। और फ्रेंड्स यहाँ पर किनारे पर क्या कह रहा है, स्तंभ खड़ा है, एक स्तंभ हम खड़ा कर दिए फ्रेंड्स। फिर कह रहा है कि दूसरे किनारे का उन्नयन कोण, इस किनारे से इस स्तंभ का कितना कोण बन रहा है फ्रेंड्स, 60 डिग्री। कितने का बना रहा है, 60 डिग्री का। फ्रेंड्स ये नदी है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक क्या है, नदी है। किनारे के लंबवत 30 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ से लंबवत इधर जाएंगे, नदी में चले जाएंगे फ्रेंड्स, इधर जा नहीं सकते, तो कहाँ जाएंगे फ्रेंड्स, इसके बाहर साइड जाएंगे। और कितना जाएंगे फ्रेंड्स, 30 मीटर चलने पर। कह रहा है फ्रेंड्स किनारे के लंबवत 30 मीटर चलने पर 30 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण कितने का हो जाता है, यहाँ आने पर 30 डिग्री हो जाता है। कितना फ्रेंड्स, ये हो जाता है आपका 30 डिग्री। तो कह रहा है कि नदी की चौड़ाई, अर्थात फ्रेंड्स आपको इसकी चौड़ाई ये चाहिए, इसको फ्रेंड हमने एक्स मान लिया। क्या फ्रेंड्स, इसको नदी की चौड़ाई को हमने एक्स मान लिया, हमको क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूँ फ्रेंड्स, इसका नामकरण करेंगे तो सवाल लंबा हो जाएगा, तो आप ऐसे देख लीजिए किस त्रिभुज की बात, इस त्रिभुज की बात कर रहा है, ये वाला जो त्रिभुज है फ्रेंड्स, इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज का ये क्या है, बहिष्कोण है। जो बहिष्कोण होता है फ्रेंड्स वो दूरस्थ, दूरस्थ मतलब नज़दीक वाले को छोड़कर जो दूर यहाँ के योग के जो बराबर होता है, इसके बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दूर स्थित दोनों कोणों के योग के बराबर होता है फ्रेंड्स, अर्थात इसका और इसका जो योग होगा वो इसके बराबर होगा फ्रेंड्स। ये 30 डिग्री दिया है, जब इसके ये वाला जोड़ेंगे तो बराबर 60 का होगा, अर्थात ये कोण फ्रेंड्स 60 में 30 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। फ्रेंड्स अगर इस त्रिभुज की मैं बात करूँ तो इसमें दो कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर होने से दो भुजा भी बराबर हो जाती है, ये त्रिभुज का नियम है, आप जानते होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड इसके सामने का ये भुजा, इसके सामने का ये भुजा फ्रेंड्स, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा, 30 मीटर। हमको क्या चाहिए फ्रेंड्स, एक्स का मान चाहिए। तो इसमें चले जाते हैं इस वाले त्रिभुज में, किस त्रिभुज में फ्रेंड्स, इस वाले त्रिभुज में, आप देख लीजिए इस वाले त्रिभुज में, इसमें हम जाते हैं क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, कास होता है, कास जो होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो कास 60 बराबर आ जाएगा आधार बटे कर्ण, अर्थात एक्स बटे 30। और कास 60 का मान होता है फ्रेंड कितना, 1/2। जब हम 1/2 रख देंगे फ्रेंड्स एक्स बटे 30, तो अगर यहाँ से एक्स की वैल्यू फ्रेंड्स हम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 15 डिग्री, 15 मीटर। कितना फ्रेंड्स, 15 मीटर हमको आंसर मिल जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स हमने क्या किया, इसमें ज्योमेट्री यूज कर दिए और हमको आप देखेंगे कुछ ही सेकेंड में आपको आंसर मिल जाता है। आइए फ्रेंड देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 मीटर लंबी सीढ़ी एक बिजली के खंभे की चोटी से 8 मीटर नीचे तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी के निचले सिरे पर खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई बतानी है। फ्रेंड्स आपको कह रहा है कि एक बिजली का खंभा है, क्या कह रहा है, एक बिजली का खंभा है। कह रहा है कि एक सीढ़ी है जो 8 मीटर लंबी है फ्रेंड्स, सीढ़ी हम ऐसे टिका रहे हैं जो इस खम्भे की चोटी से 8 मीटर नीचे तक, मानते हैं फ्रेंड्स यहाँ तक कितना है, 8 मीटर है फ्रेंड्स। चोटी से 8 मीटर नीचे तक क्या होता है, सीढ़ी पहुँचती है ये, और सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी है फ्रेंड्स, 8 मीटर दे रखी है। फिर कह रहा है कि सीढ़ी के निचले सिरे से खम्भे का शिखर के उन्नयन कोण, खम्भे के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है फ्रेंड्स, 60 डिग्री। ये पूरा हमको जो उन्नयन कोण दे रखा है फ्रेंड्स, ये पूरा 60 डिग्री दे रखा है। कितना फ्रेंड्स, 60 डिग्री दे रखा है। फिर कह रहा है कि खम्भे की ऊंचाई निकालो, खम्भे की ऊंचाई तो फ्रेंड्स ये 8 पता है हमको, अगर फ्रेंड्स इतना और पता चल जाए तो खम्भे की ऊंचाई पता चल जाएगी फ्रेंड्स। इसको हमने एच मान लिया, क्या एच मान लिया,
अब फ्रेंड्स इस त्रिभुज की बात करें, किस त्रिभुज की फ्रेंड्स आप देख लो, क्योंकि नामकरण करेंगे तो सवाल लंबा हो जाता है, नामकरण नहीं करेंगे तो ऐसे देख लो। इस त्रिभुज में ये जो त्रिभुज दिख रहा है फ्रेंड्स, इस त्रिभुज में एक भुजा ये एक भुजा ये क्या है, आपस में बराबर है, तो इसमें दो कोण भी बराबर होंगे। कौन कौन सा फ्रेंड? इसके सामने का ये कोण, कौन सा फ्रेंड? इतना कोण, और इसके सामने का ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इसको थीटा अगर मान लो तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 90, ये 60, ये पूरा 60। अगर इस बड़े वाला जो त्रिभुज बना इसमें बात करें तो ये 90, ये 60, तो ये कितना हो जाएगा, 30। कितना फ्रेंड? 30, 30, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अगर फ्रेंड्स ये 30 डिग्री आ गया तो ये भी 30, तो इतना जब 30 हम घटा दिए तो ये कितना बचा फ्रेंड्स, 30 डिग्री बचा। कितना फ्रेंड्स? 30 डिग्री बचा। अब फ्रेंड्स ये सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी है, 8 मीटर। इसमें जाते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं, तो इसमें लगा देते हैं sin 30। sin 30 अर्थात लंब बटे कर्ण, h/8। sin 30 का मान 1/2, h का मान 4 आ गया फ्रेंड्स। h का मान 4, तो सीढ़ी की लंबाई, खम्भे की ऊंचाई, क्या फ्रेंड्स? खम्भे की ऊंचाई, सॉरी, ये पूरा खम्भा है फ्रेंड्स, ये 8 पहले से दिया था, इसका मान हमने 4 निकाला, तो कितना हो गया, 12 मीटर खम्भे की ऊंचाई, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपको आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊंचाई ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन में जैसे ही ज्योमेट्री यूज करते हैं, सवाल बहुत ही आसानी से बनने लगता है फ्रेंड्स, सवाल बहुत ही आसानी से बनने लगता है, आप देख लीजिए। आई फ्रेंड देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक दुर्ग को जाती हुई, दुर्ग मतलब फ्रेंड्स वही मंदिर दुर्गा माता का। तो फ्रेंड एक दुर्ग को जाती हुई सीधी सड़क पर, दुर्ग से 45 मीटर की दूरी पर, उसकी दीवार का उन्नयन कोण उसी सड़क पर, दुर्ग से 120 मीटर की दूरी पर के उन्नयन कोण का दूना है। फ्रेंड्स आपसे कह रहा है एक दुर्ग है और दुर्ग की जो दीवार है, दुर्ग यानी कि दुर्गा माता का मंदिर जो है, उसकी दीवार का जो उन्नयन कोण है 45 मीटर, इस सड़क पे 45 मीटर जो कोण बन रहा है, इसी दुर्ग पे यहाँ से कितना है फ्रेंड्स, 45 मीटर दिया है, कितना, 45 मीटर। फिर कह रहा है इसी सड़क पर 120 मीटर जब जाओगे, अर्थात फ्रेंड इसमें 75 और ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, 120 जब जाओगे, तो जो यहाँ पर उन्नयन कोण बना, इस कोण को अगर मैं थीटा मान लूँ तो ये कह रहा है दूना, अर्थात 2 थीटा हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें किसी दुर्ग दीवार मस्जिद मस्जिद पहाड़ से दूर जाने पर उन्नयन कोण घटता है और पास आने पर उन्नयन कोण बढ़ता है, आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ कितनी कितना दे रखा है, 120 पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, 120, 120 में ये 45 घट गया तो ये फ्रेंड्स कितना बचा, 75 मीटर इतना बच गया। अब फ्रेंड्स इस त्रिभुज की, किस त्रिभुज की फ्रेंड, इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो इस त्रिभुज में ये जो है बहिष्कोण है, और फ्रेंड्स आपने आपको बताया कि जो बहिष्कोण होता है वो दूरस्थ अंतःकोण अर्थात इसके इसके योग के ये बराबर होगा। फ्रेंड्स ये थीटा, ये 2 थीटा, तो ये कितना हो गया, थीटा। फ्रेंड्स इस त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होगी, इसके सामने की ये भुजा, इसके सामने की ये भुजा, तो इसके सामने की ये 75, तो फ्रेंड्स ये कितना हो गया, 75 मीटर। अब फ्रेंड्स आते हैं इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में फ्रेंड, ऐसे देख लीजिए, नॉमिनेचर करेंगे तो फ्रेंड लंबा हो जाएगा, ऐसे पे शॉर्ट में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस त्रिभुज में आते हैं और इसमें क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस, इसकी यच मान लेते हैं, इसी दीवार का मान चाहिए। तो फ्रेंड्स जब पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस कहता है कि जब ऊंचाई निकालनी हो आपको तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के गुणा मार दो, जोड़ेंगे तो 120 आएगा, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 30। इस भुजा को एक बार जोड़ के एक बार घटा के गुणा मार दो, हमको आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स जब इसको हल करेंगे तो हम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, बर्थ यानी 3600 और बाहर निकल कर आ जाएगा 60 मीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपको आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हम ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ अगर ज्योमेट्री यूज करें तो ऊंचाई दूरी के क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाते हैं और कुछ ही सेकंड में आपको आंसर मिल जाता है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।